मारीना संदेश लाइव। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के थाना मोहम्मदाबाद गोना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा महापुर में, जहां आप देख सकते हैं कि हमारे बगल में बैठे हुए हैं, आपका नाम दिनेश कुमार, दिनेश कुमार जी बैठे हुए हैं। और दिनेश कुमार जी ने कल एक FIR दर्ज कराया है, यहीं के निवासी रविंदर यादव उर्फ मटरू, निवासी तो यहीं के हैं लेकिन वो यहाँ पर रहते नहीं हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का आरोप है उनके ऊपर कि तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं, फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं और लोगों को भी तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। FIR की सूचना पाकर आज हम मौके पर पहुंचे हैं, इनसे मुलाकात हुई है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या है पूरी स्थिति। आपका परिचय? दिनेश कुमार सर। पिता का नाम? श्री श्री चंद राम। पता? ग्राम महापुर पोस्ट करा। एक FIR दर्ज हुई है मोहम्मदाबाद कोतवाली में, क्या है पूरा मामला? सर, हमारा मटरू यादव ने पैसे 70,000 विदेश के नाम पे लेकर के भाग गया। उससे पैसे जब भी मांगने जाता हूँ तो गाली देता है, चमारिया बनाता है, भगाता है, कहता है भोसड़ी वाले जादे हमारे यहाँ आओ। आपकी मुलाकात कहाँ होती है मटरू यादव से? आपने बताया कि मटरू यादव यहाँ रहते नहीं है, तो मुलाकात कहाँ होती है? सर, आपने घर पे आया था 1 महीने पहले, बुरादरी गेट पे उससे मुलाकात हुई थी, पैसे उससे मांगने गया तो मारने के लिए मुझे दौड़ाया, मैं वहाँ से भाग निकला। फिर क्या हुआ? फिर सर तब से वो मिला नहीं, फोन पे धमकी दे रहा है कि तुझको मार दूंगा, काट दूंगा अगर दोबारा पैसे मांगने आया तो। अच्छा, आपने अपने FIR में लिखवाया कि इससे पहले आप थाने पर कोतवाली पर तहरीर दे चुके लेकिन FIR नहीं दर्ज हुई, तो आप हम लोगों के SP अनुराग आर्य जी के पास गए, तो वहाँ से क्या हुआ, उन्होंने तत्काल आदेश कर दिया, कैसे आपकी FIR दर्ज हुई? नहीं सर, मैं गया था वहाँ पे ऑफिस में, वहाँ से FIR मेरा दर्ज हुआ मुकदमे, SP साहब ने मुकदमे लिख दिए हैं। अब आगे मतलब SP साहब के आदेश पर आपका मुकदमा दर्ज हो चुका है? हाँ, तो आपने जो पैसा वगैरह निकाल के दिया उसका कोई सबूत, कुछ गवाह कुछ है आपके पास? हाँ सर, हमारे पास गवाह भी हैं, सबूत भी है, जो पैसे निकाल कर बैंक से भी दिए हैं कुछ पैसे, और कुछ इधर उधर से लेकर के भी दिए हैं पैसे, और हमारे पास गवाह भी। अच्छा, एक बात आप ये बताएं कि आप बता रहे थे कि मटरू यादव यहाँ गाँव में नहीं रहते हैं, तो क्या कारण है कि गाँव में नहीं रहते? इसी गाँव के निवासी लेकिन इस गाँव में नहीं रहते, क्या कारण है? सर, इनसे उनसे पैसे लेता है, जैसे कोई भी काम कराने के लिए 400 भी सही करके लेके भाग गया पूरे पैसे। उनकी माताजी BTC हैं हमारे ग्राम सभा से। मेरी घर की स्थिति बहुत खराब है, आप मेरा घर के चल करके वीडियो बना लीजिए सर, देख लीजिए मेरा घर कैसा है, मेरी बहुत स्थिति खराब इस समय चल रही है। आपकी स्थिति इतनी खराब थी तो आपके पास 70,000 रुपये आया कहाँ से? सर, वो मेरे पिताजी ने खेत बेचे थे, वो पैसे मैंने रखा था, वही पैसे मेरे पास थे। मटरू यादव ने तमाम जैसे इनसे उनसे गांव में पूरे पैसे आवास पे, किसी के विदेश जाने के नाम पे, किसी के नौकरी पे नाम पे पैसे लेकर के यहां से भाग गया, इसलिए गांव में नहीं रहता है, तरह तरह की बाधाएं डालता है, कोई भी काम अगर आज भी नहीं करने देता है। हमारे ग्राम प्रधान अमरुल्ला खान भी है, उनको भी हमेशा उलझाता रहता है, कोई काम करने नहीं देता है, यहाँ से सब भी पैसे लेकर भाग गया। कभी कभी रात में आता है, एक बार उससे मुलाकात हुई आज के 1 महीने पहले में, तो बोला पैसे दे दूंगा, उसके बाद नहीं दिखाई दिया, तब से भाग ही रहा इधर उधर। अच्छा, इनके ऊपर आरोप है कि सरकारी जमीनों पे भी कब्जा करते हैं मटरू यादव, क्या ये इसमें कोई वास्तविकता है? हाँ सर, बीटा कब्जा किया है, पोखरी कब्जा किया है, उसका भी दरखास्त मैं दिया हूँ, उसका भी देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या होता है। हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ सर, यही मैं चाहता हूँ कि DM साहब, SP साहब, भूम माफिया का उस पर आरोप लगाया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताजा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।